नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज से। एक ओर जहां सूबे के मुखिया स्वच्छता को लेकर अपने प्रदेश का बखान करने से नहीं चूकते, वहीं अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें अथवा प्रथम इकाई की जन सुविधाओं की बात करें, तो आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से कोसों दूर हैं, जिसमें आम जनमानस में विकास सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चल रही हैं, जिससे लोग प्रयागराज के खरकौनी के ग्रामवासी पाइपलाइन से निकल रहे पानी के जलभराव की वजह से एकत्रित हुए गंदे पानी से प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने समाज सेवी शिवम मिश्रा से मदद की गुहार लगाई, जिस पर ग्रामीणों की मांग और उनकी समस्या से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय जन कल्याण सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिवम मिश्रा केडी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से बात कर उन्हें समय रहते ग्रामीणों की इन असुविधाओं को दूर करने की बात की, जिस पर विभाग के जेई द्वारा इस समस्या से 15 दिनों में पाइपलाइन के कार्य को ठीक कराकर निजात दिलाने की बात की गई। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी शिवम मिश्रा समाज हित के कार्यों से समाज में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, जो लोगों में कभी कभी चर्चा का विषय बन जाता है। बहुत से दिक्कतें हैं इस नाले से, अब बहुत दिक्कतें हैं, जैसे एक दूसरे दिक्कत आपको बता दो। लाइट लेटरिन का, बाथरूम का, लेटरिन बाथरूम आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सब भर गया जो टैंक बनवाए हैं, अच्छा जो बनवाया भी है सीवर और टैंक सब भर गया है। अच्छा, पैदल बच्चे स्कूल यहीं से जाते हैं? बच्चे स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं, घर से निकल ही नहीं पा रहे, जाएंगे कैसे? घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो यह प्रयागराज संवाददाता रोहित शर्मा की रिपोर्ट।